उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की तालिबानी सोच रखने वाले कट्टरपंथियों ने हत्या की है। उसके विरोध में आज संपूर्ण बयाना कस्बा ऐतिहासिक रूप स्वेच्छा से बंद रखा गया, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों मुस्तैदी से गश्त करते नजर आए। वहीं व्यापारी वर्ग अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद करके सामने बैठे दिखाई दिए। आपको बता दें कि शनिवार को हिंदू संगठनों द्वारा रविवार को अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की थी, जिसे बयाना के व्यापारियों ने मानकर दुकानें बंद रखकर शोक प्रकट किया एवं हत्यारों को फांसी की मांग की। आज बयाना बंद का आह्वान जो यहाँ हम लोगों ने किया है, वो उदयपुर की घटना को लेकर और अमरावती में एक दुकानदार के साथ में जिस तरह भावुकतापूर्वक जो हत्या की गई, उसके उपलक्ष्य में बयाना बंद का आह्वान दुकानदार व्यापारिक संगठन सर समाज के सौजन्य से किया गया है। और बयाना बंद आज पूर्णतः 99% सफल रहा। लोगों ने बहुत रुचियाँ दिखाई इसको बंद करने में और आगे से अपने दुकानें और प्रतिष्ठानें बंद रख के। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि राजस्थान सरकार को जो आतंकवादी गतिविधियां जो राजस्थान में जो अब देखने को मिल रही है एक साल से, इन गतिविधियों पर सरकार की नज़र होनी चाहिए। यहां का खुफिया विभाग, गृह विभाग जो एकदम नकारा और ये है, उसका ही कारण है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि इन हत्यारों को सरेआम अतिशीघ्र फास्ट्रैक अदालत लगाकर इनको फांसी की सज़ा दी जाए और ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। बयाना बंद आज पूर्णतः सफल रहा। बयाना के लिए पत्रकार बंधु, पुलिसकर्मी और स्टाफ कर्मी और ये जो भी हैं दुकानदार भाई और सभी संगठन, व्यापारिक महासंगठन, इन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आज बयाना बंद को पूर्णतः सफल बनाया। मैं इसके लिए सभी व्यापारी भाइयों का तन से मन से साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं इस कृत्य के लिए, देश हित कृत्य के लिए इनका सदैव आभारी रहूँगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज उदयपुर की घटना के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि पूरा बयाना बंद है, यानी घटना का बहुत बड़े स्तर पर यहाँ के नागरिकों ने विरोध किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस घटना का इतने बड़े पैमाने पर बयान अशोक जिसमें रोजाना 6-6 महीने की बच्चों से बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना बड़ी लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रही है, सड़क बिजली खत्म हो गई है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, रीट के पेपर आउट, और मुख्यमंत्री जी केवल राजस्थान में पायलट मुख्यमंत्री नहीं हो जाएं, इस बात को रोकने के लिए उन्होंने सारी कानून व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और उनका ध्यान केवल सचिन पायलट के ऊपर रहता है। कभी शेखावत जी को नकारा कहते हैं, कभी पायलट जी को नकारा कहते हैं, जबकि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनके राज्य की कानून व्यवस्था ख़त्म हो गई है। स्कूलों में आईटी के पैसे नहीं हैं 3-3 साल से, सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, बिजली कहीं पे मिल नहीं रही है, और उसके बाद हमारे भाइयों की गर्दन काटी जा रही है, खुलेआम गर्दन काटी जा रही है, और उसका वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। मैं उस भाई कन्हैयालाल की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और गहलोत जी से निवेदन करता हूँ कि तुरंत उन दोनों हत्यारों को फांसी की सजा पर चढ़ाया जाए।